जे आशा अंदेसा तज रहै विख्या गुरमुख नाओ तिसके चरण पखालिया नानक हो बलहार जाऊं। महला तीजा नानक तरवर एक फल दोए पंखे रुआ है आवत जात न दिसई ना पर पंखी ताहे। बहु रंगी रस भोगया शब्द रहै निर्वाण हर रस फल राते नानका करम सचा निशान। पौड़ी आपे धरती आपे है राहक आप जमाए पिसावै आप पकावै आप भांडे दे परोसै आपे ही बह खावै आपे जल आपे दे छिंगा आपे चुली परावै आपे संगत सद बहालै आपे विदा करावै। जिसनो कृपाल होवै हर आपे तिसनो हुकम मनावै आपे संगत सद बहालै आपे विदा करावै। जिसनो कृपाल होवै हर आपे तिसनो हुकम मनावै। गुरु प्यारी साध संगत जीओ प्यार नाल सतगुरां दी बख्शी होई फतेह सांझी करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज सतगुरां ने मेहरबान होके सारे जगत नूं ज्ञान भरिया शब्द उपदेश बख्शिया है। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंग 550 ते सवायमान है। राग बिहागड़ा जो मन विच एक नशा पैदा करता है, जो राग का नशा इस शब्द के भाव तत्व के नाल जोड़ता है। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज, धन धन गुरु नानक देव जी महाराज की तीजी जोत, तीजा स्वरूप अज के हुक्मनामे ज्ञान बख्शते हैं। कई अकाल पुरख वाहगुरु एक तरवर है, एक दरख्त है, एक बिरख है, भाव सारी सृष्टि जो अकाल पुरख वाहगुरु ने बनाई है वह एक दरख्त की तरह है। तो जेडे जा सारे जी जंत हैं वह पंखियों की तरह ने, वाहेगुरु की खेड है। कुछ पंखी माया के रसा के खचत हो जाते हैं, पर कुछ जिन्हां ते कृपा की कृपा होए, अकाल पुरख वाहेगुरु की कृपा होए, वह वाहेगुरु के रस के नाल उहदे रस का आनंद माणदे ने, अपने जीवन में सफल कर लैंदे ने। सारे कहते हैं भी असी धर्मी हाँ, सारिया का जोड़ा एक क्लेम आ भी मैं धर्मी हाँ, मैं चंगा बंदा। पर महाराज फरमाते हैं दरवेश कौन है, कौन भला पुरश है, कौन धर्मी बंदा। दरवेशी को जानसी विरला को दरवेश। भाई यह दुनिया के कोई विरला विरला दरवेश है, कोई विरला ही फकीर है। जे कोई जानता होए पर फकीरी की है, जे कोई अपने आप नूं फकीर कौन हुंदा,
या धर्मिक होंदा ते ओदी नजर होए लोकां दे पैसियां ते, ओदी नजर होए दूजियां दे धन दौलत ते, महाराज फरमांदे हन ओ दरवेश नहीं हो सकदा। जे घर घर हंडै मंगदा तिग जीवन तिग वेश, उन्हें जिहड़ा अपना दरवेशियां दा वेश बनाया वह भी तिग भाव फिटकार योग ते उहदा जीवन भी जिहड़ा है वह भी फिटकार योग भाव वह जीन लायक नहीं। जे आसा अंदेसा तज रहा भिख्या गुरमुख नाओ, हुण जिहड़ा इंसान कहिंदा मैं धर्मी हाँ पर उहदे हिरदे विच आशा भाव एक डिजायर है, एक इच्छा भी मैं ए दुनिया दे विच जाणिया जावां, मेरी बल्ले बल्ले होए, मेरा जिहड़ा जत्था या मेरा धर्म है वह फैले। क्यों क्यों फैले? लोकां दी भलाई वास्ते नहीं, अपनी वडियाई वास्ते। जदों अग्ञानता हुंदी है उदों इंसान इहो जिहे सपने लैंदा। सो महाराज फरमांदे हन जे उहदे च आशा है ते उह दरवेश नहीं हो सकदा। आशा ते मनसा नूं छड्डना पैणा, निर्वाण अवस्था दे विच प्रवेश करना पैणा। जे आशा अंदेशा, अंदेशा मैंने चिंता, चिंता लगी हुई है, इन्नी चिंता पई घर नूं खाण नूं नहीं, इन्नी चिंता पई बच्चे कहना नहीं मनते, परिवार दे विच कलेश है, इन्ना साथ संगत जी पई धार्मिक अस्थानां ते भी इन्ना कलेश हो जांदा भी लोकी मरण ते मरण नूं तैयार हो जांदे। मां कहिंदे जिथे वाद विवाद हो जाए उत्थे धर्म नहीं, उत्थे वाहिगुरू नहीं। आर्ग्यूमेंट जिथे हो जाए उत्थे वाहिगुरू नहीं होंदा, वाहिगुरू उत्थे आ जिथे वाहिगुरू का नाम जपया जाए, जिथे प्यार होए, जिथे दया होए, जिथे सहनशीलता होए उत्थे वाहिगुरू। उही असल मायनिया दे विच फकीर है जिहदे पल्ले दया होए, संतोख ते सत दा जीवन होए, दूजिआं नूं स्वीकारदा होए, सारी अकाल पुरख की खेड नूं खेड मन्ने जाने पई। हां आवन जान एक खेल बनाया, आग्याकारी कीनी माया। इस माया यह जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरु की खेड है, एक माया भाई बच के रहना। असं जिहड़ा गुरमुख है वह उस अकाल पुरख वाहिगुरु तो उहदा नाम मंगदा वाहिगुरु का भी, वाहिगुरु मैनू अपने वर्गा बना ला, मैनू तू अपने वर्गा बना ला, मैनू वह रब्बी गुण दे जे नाल मैं तेरी भगती कर सकां। सब गुण तेरे मैं ना ही कोए, विन गुण कीते भगत ना होए। गुरु महाराज फरमांदे हन वह गुरमुख प्यारा इन्ने सत्कार योग है तिसके चरण पखाली है, पखाली है मैंने धोने, ऐसे गुरमुख प्यारे दे चरण मैं धोना चाहुंदा। नानक हो बलिहारे जाओ, मैं एहो जे गुरमुख ते बलिहार जाना, क्योंकि उसने इस खेड नूं समझ लिया ते इस खेड नूं गुरु दे आशे अनुसार निभा रहा, खेड रहा। नानक तरवर एक फल, दोए पंखेरू आए। हुण सारी सृष्टि एक तरवर है, भाव बिरख है। जेड़ा असली फल है वह फल है वाहिगुरु की प्राप्ति, एक फल। पर महाराज फरमाते हैं यह तो आके दो तरह के पंछी बह जाते हैं, दोए पंखेरू, पंखेरू मैंने पंछी बर्ड्स। आवत जात ना दिसई ना पर पंखी ताहे। हुण असी सोचिए भी जे असी पंखी हाँ तो साढ़े पर कितने ने, साढ़े पंख तो है ही नहीं,
महाराज कहते पंख दिखते नहीं है। हुण साध संगत जी देखो जदों बच्चे का जन्म हुंदा वो बच्चे की आत्मा पता नहीं पहले कित्थे हुंदी है, वो उड़ के आत्मा मां की गर्भ विच प्रवेश कर जाती है। किसी ने देखिया उन्हें उड़ते हुए? कद किसी ने नहीं देखिया। ऐसे तरह जो इंसान मरता है दुनिया छड़ के जाता किसी ने नहीं देखिया भी आत्मा पंख ला के उड़ गई। पंख नहीं है, आत्मा के पंख नहीं। आंदा ते जाऊंदा कोई दिखता नहीं तो किदां जन्म हो रहा तो किस तरह इंसान दुनिया नूं छड़ के किसी होर दुनिया वाल तुरिया फिर हैरानगी की गल। इस समय बिल्कुल इस समय किन्ने करोड़ां पुरश किन्नियां करोड़ां आत्मावां मनुखा जन्म दे विच जन्म लै रही ते किन्नियां आत्मावां इस मनुखा शरीर नूं छड़ के जा रही पर दिख नहीं रहा। सो महाराज कहिंदे ने उन्हां दे पंख नजर नहीं आते। बहु रंगी रस भोगया शब्द रहे निर्वाण। हुण पंखी दो तरह के ने, एक तो जिहड़े माया के रस ने उन्होंने भोगते हैं मनमुख, पर जिहड़े दूजे गुरमुख पंखी ने शब्द रहे निर्वाण वह गुरु के शब्द नाल जुड़ के शब्द का भाव अकाल पुरख वाहिगुरु उस अकाल पुरख के नाल जुड़ के अपनी सुरत नूं जोड़ के माया तो निर्वाण रहिंदे ने, भाव माया दे विच खचत नहीं हुंदे। हर रस फल राते नानका करम सच्चा निशान, क्योंकि वह हर रस जो एक फल है भाव उस परमात्मा का रस परमात्मा के दर्शन उहदे विच रते रहिंदे ने, उही उहनां नूं भाउंदा उही चंगा लगता। उन्हां दे अंदर एक निशान लग जाता है जिस तरह असीं किसी कंट्री दे विच मुल्क दे विच जाना होए वो जाण तो पहला एक वीजे की लोड़ हुंदी है, उन्हूं असीं कहिंदे आ स्टैंप भाव निशान। ऐसे तरह जिहड़े गुरमुख प्यारे वाहिगुरू का नाम जपते हैं उन्होंने हिरदे रूपी पासपोर्ट ते एक मोहर लग जाती है, निशान लग जाता भाई यह प्रवान। जदों यह दरगाह दे विच जाएगा अकाल पुरख वाहिगुरू की इहनूं कोई रोक टोक ना होए, सीधी ग्रीन लाइन के विचों अंदर ग्रीन चैनल के विचों अंदर हो जाता इंसान। फिर महाराज ने उस खेड का जिक्र किया, भाई समझो इस गल असी कहने ना भी वाहिगुरु कित्थे है, सानू तो समझ नहीं आता वाहिगुरु कित्थे है। महाराज कहिंदे ने आपे धरती आपे है राहक आप जमाए पिसावे। आप वाहिगुरु धरती है, तुसी वाहिगुरू लभदे फिरदे हो, धरती वाहिगुरू का रूप आ, सूखम तो जिहड़ा अस्थूल रूप है वाहिगुरू का वह धरती है, बिरख जल थल सब वाहिगुरू का रूप आ। आप ही राहक भाव आप ही एक तरह का राहक बन के मुसाफिर बन के धरती ते आ गया। आप ही जमाउंदा भाव फसल उगाउंदा आप ही खाउंदा, आप पकावै आपे आप भांडे दे परोसा, आप फिर पकाउंदा है ते आप भांडियां दे विच पा के फिर परोसदा। देखो किन्नी वधिया खेड है, सानू समझ नहीं आती। आपे ही बह खावै फिर आप ही बह के वह अकाल पुरख वाहिगुरु उसनू छकदा खोंदा। आपे जल आपे है छिंगा, जिहड़ा असीं जल पीने आ उह वाहिगुरू आप ही आ, जिहड़ा पींदा उह भी वाहिगुरू है। पर जिहड़े इंसान माया दे रसां विच खचत है वह अपने आप नूं पछाण नहीं सकते। जिन्हां ने पछाण लिया उन्हां नूं पता लगता मन तू जोत सरूप है अपना मूल पछाण, मन हरजी तेरे नाल है गुरमती रंग माण। कई इंसान रब नूं बहुत दूर जाते हैं पर जिन्हां ने अपने आप नूं पछाण लिया उन्हां नूं पता लग गया मन हरजी तेरे नाल है गुरमती रंग माण। इस परमेशर की खेड का आनंद माण प्यारे, उस परमेशर के दर्शन का आनंद माण, सुरत नूं शब्द विच जोड़ तेरे जीवन च वह आनंद बनेगा
जिहड़ा माया दे रसां दे विच तैनूं आनंद नहीं आ सकता, माया तेरी दासी हो जाएगी। आपे संगत सद बहाले। हुण महाराज ने इस गल का जिक्र किया, भाई कई मनमुख ने कई गुरमुख ने, यह सारी वाहिगुरु की खेड है। आप सद के संगत विच बिठा दिंदा, आपे संगत सद बहाला, सदा दे के भी गुरमुख प्यारा बह जा इत्थे, तेरा हुण यह मनुखा जीवन दे विच मेल होना, तो उन्होंने संगत बख्श दिंदा। आपे विदा करावा, कईयां नूं संगत विच बैठे बैठे माया दे ख्याल आंदे रहिंदे ने, उन्हां नूं विदा दे दिंदा, जाओ भाई जाओ, तुहाडा काम नहीं। जिसनों कृपाल होवै हर आपे, तिसनों हुक्म मनावै, जिस ते कृपाल हो जाए उन्हूं वाहिगुरु अपना हुक्म मनाउंदा ते प्रवान करता। तो सतसंग जी सारी ही उस अकाल पुरख की खेड है। हुक्मनामा पढ़ के अज या विचार करके बस एक गल समझ चाहिए, भाई अरदास करिए, हे मेरे वाहिगुरु, जिसनों कृपाल होवै हर आपे, सानू कृपा दे पात्र बनाओ महाराज, कृपा करो। हम अवगन भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखरै बिख खाए, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सदाई। हे मेरे गुरु रामदास, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, अपनी शरण दे विच रखो, मेरे परमात्मा मेरे करते कृपा कर, मैं ते परिवार दे विच सुत दारा, अपने बच्चियां दे विच अपने परिवार दे विच इन्ना खचत हो गया, सुत दारा सो प्यार प्रीत लगाई, ते मैनूं संगत बख्शो, संगत दे राही मैं तुहाडे दर्शन कर सकां, भुला चुका दी माफी। हुण असीं अंग्रेजी दे विच विचार करना है, महाराज कृपा करन। टुडेज़ हुक्मनामा इज ए ब्लैसिंग फ्रॉम सचखंड श्री हरिमंदर साहब इन राग बिहागड़ा। राग बिहागड़ा प्रोवाइड्स द सेडेटिव मूड, दैट इंटॉक्सिकेशन हेल्प्स टू फोकस ऑन द एसेंस ऑफ द शब्द। दिस होल वर्ल्ड इज वाहिगुरुज ड्रामा, खेल। पीपल आर कमिंग एंड पीपल आर गोइंग, different beings are being born and the, all the beings they have to leave. Jo upjyo so binas hai paro aaj ke kaal, nanak har gun gaela chhad sakal janjaal. The whole world is like a tree, Guru Maharaj describes in today's hukumnama. Nanak tarvar ek phal, दोए पंखेरू आए। गुरु महाराज रिवील्स दैट होल क्रिएशन इज लाइक ए ट्री तरवर, बट देर इज ओनली वन फ्रूट विच ब्रिंग्स द पीस। द ह्यूमन लाइफ हैज बीन ब्लेस्ड टू द ह्यूमैनिटी टू रीप वन फ्रूट, to be one with Vaheguru, to realize the creator, to understand who you are, identify yourself. You can ask yourself question, who are you? You might be coming back with the answer, I'm born in such and such family, such and such country, I belong to this town or this village. That answer is true according to your understanding. But if you take Guru's wisdom, Guru Maharaj reveals you are here as a guest. You are temporary. You belong to Vaheguru. You are Vaheguru's manifestation. And Vaheguru, God, you may call it Allah, Khuda,
is within you. You need to understand who you are. Vaheguru or God does not acknowledge religious labels that person is a Sikh, person is this faith or that faith. It's immaterial. What Vaheguru entertains is or acknowledges is how much love, how much compassion you have for yourself and the rest of the creation. That's the fruit. Once you have that compassion and tolerance, then you can see Vaheguru face to face. So Guru Maharaj reveals, Nanak Tarwar Ek Phal Doe Pankheru Aaye. There are two types of birds who come and sit on this tree, which means two types of people who exist in this human form. Manmukh. Manmukh means those who follow their mind. Gurmukh are those who follow Guru's teaching, God's teaching, God's divine principles. Now Guru Maharaj reveals that normally the birds have feathers. But all of us, if we are birds, we can't see our feathers. And Guru Maharaj reveals that. Avat jat na disai na par pankhi tai. Par means feathers. These birds, they don't seem to have any feathers, but they are still flying. Which means, you know, if someone is born in a family, have you seen that person flying into mother's womb? Have you seen that soul flying into mother's womb? You don't. So soul has no feathers. Soul can travel from one body. Once the time is up, comes out of that body, enters into the other body. When someone dies, although the body is intact, but that body is not functional. What has happened? The soul has flown away. But there are no feathers. According to one's understanding, people indulge in different tastes of material. Some people love cars. Some people love possession. Some people love gold. Some people love food. They go to different hotels, restaurants to try different foods. But they are materialistic taste. We are not here to get stuck in the taste of material. We are here to use material as a vehicle so we can get to God. We can recognize ourselves. Man tu jot swarup hai, apna mool pachhan. Recognize who you are. Man harji tere naal hai. When you go to bed, Vaheguru is with you. God is with you. When you are doing things secretly, Vaheguru is with you. Vaheguru is watching you. When you are spreading hatred, when you are slandering other people, God is watching you. All this movie will be played back to you when you go to God's court. Real film. You can't deny. You know, people who commit crime, sometimes the cases go for 20 years, 30 years, because there is no proof. But in Vaheguru's court, there is a proof of everything. You can't deny it. The film is rewinded and shown to you what you have been thinking and what you have been doing. So there is no denial there. You have to confess. So according to Vaheguru's laws, some people indulge in Maya, some people enjoy the taste of and presence of Vaheguru within them. So Guru Maharaj reveals there are two types of birds. Boho rangi ras bhogya shabad rahe nirvan. Some enjoy the materialistic taste, but some remain nirban, detached from the material. They let material serve them, but they don't get drowned in the material. It's like you are in a boat.
As long as you are in a boat, you can enjoy the ride in the ocean. But if you jump in the water, then getting drowned is obvious. It's natural. Har ras phal rate nanka karam sacha nishan. Those who enjoy the fruit of har ras means they drink the nectar within the body. Because Vaheguru has placed his presence within the body. Once you start enjoying, your body is filled with har ras, the amrit. That is the phal, that's the fruit of human life. Karam sacha nishan. And karam means Vaheguru's grace. With Vaheguru's grace, you get the nishan, the tick mark on your soul. It's like a visa on the passport of your mind. Once you go to Vaheguru's country, Vaheguru's dargah, Vaheguru's court, that is your visa. You are accepted. But this is all Vaheguru's game. Vaheguru is the earth. Aape tarti, aape hai rahak. Vaheguru is earth, Vaheguru is plants, Vaheguru is water and air, and Vaheguru himself is all the beings. Rahak means a traveler. Vaheguru grows the food, Vaheguru eats the food, there's no one else. But people can't recognize Vaheguru because the ego is a barrier between them and Vaheguru. People call themselves darvesh, religious, holy, but Guru Maharaj reveals you can't call yourself holy and religious and spiritual unless you understand what spirituality is. Darveshi ko jansi, virla ko darvesh. Only few will understand what the spirituality is. Only few. Je ghar ghar hande mangda tig jeevan tig ves. If you are greedy, if you have temptations, so you can get someone else's property, someone else's possession, what kind of spiritual person you are. Your life is accursed, and your religious garb, the robe, is also accursed. It's useless. Je asa andesa taj rahe pikhya gurmukh nao. If you are full of anxiety, full of desires for the material, you can't be holy. A holy person always begs for Vaheguru's naam, Vaheguru's presence, Vaheguru's darshan. That is the true blessing of Vaheguru, which you can ask from Vaheguru. So, essence of the Hukamnama is, detach yourself from the material. Always wish and pray for Vaheguru's darshan, Vaheguru's naam, Vaheguru's gun, Vaheguru's character of contentment, tolerance, acceptance, honesty, and truthfulness in your life. That's the true fruit of this human life. Pulan chuka di mafi. Keep in chatti kala. Share the fateh with love. Keep smiling. Make sure in that process, don't annoy other people. Help others to remain happy and smile. And your smile, your happiness will multiply fourfold. Keep in chatti kala. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh.